नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भगवत मेहरा। विकास प्राधिकरण ने सकलपुरी रोड स्थित विलकेश्वर कॉलोनी में लगभग 7 मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। उधर ध्वस्त पड़े मकानों को देखकर कॉलोनी वासियों ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को नोटिस नहीं दिया गया और बिना नोटिस के ही उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया, जिससे उनके मकान ध्वस्त हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 4 वर्षों से सड़कें, बिजली की लाइनें, नगर निगम से पानी की लाइन बिछी हुई हैं, जिनका बिल भुगतान किया जा रहा है, फिर भी अवैध बताकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। उधर शहर में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं है मेरे को, कोई सूचना कुछ नहीं। और सूचना नहीं बोलो, लगभग कितना नुकसान आप मान रहे हैं? 3-4 लाख रुपये। यहाँ कितने ऐसे और लोग हैं जिन्हें बिना नोटिस के मकान कम से कम 10 मकान तोड़े? 10-12 मकान तोड़े।